हेलो एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर वेल। आज फिर मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन एंड सेफ्टी के इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है बहुत बेसिक वीडियो है, जिसमें हम आप लोगों को ये समझाने का कोशिश करते हैं जो MCB आइसोलेटर, RCCB, RCB और मिनी MCB में ये बेसिक डिफरेंस क्या है, इसके अप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं और इसके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं, ये मैं डिटेल आपको बताऊँ। बिकॉज ये बहुत बेसिक है, जो लोग इस इंडस्ट्री में अभी एंट्री किए हैं उसके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का जो पहला है वो MCB के बारे में आपको मालूम होगा, MCB का जो काम है वो क्या है और उसके यूजेज एंड उसके अप्लीकेशन क्या क्या है। MCB का दो ही काम होता है, एक ओवर ये बेसिकली ये करंट ऑपरेटिंग डिवाइस है। MCB का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, जिसका काम है दो, एक ओवरलोड एंड दूसरा मैं बताऊं ये शॉर्ट सर्किट का काम है। उसके बाद पावर को ऑन एंड ऑफ ऑपरेशन के लिए आपको ये काम देगा, तो ये प्रोटेक्शन का काम होगा, ये आपको पावर लाने का काम दे दिया, ये MCB का काम है। उसके बाद उसकी यूजेज कहाँ होता है, अप्लीकेशन कहाँ होता है, यूजेज फॉर अप्लीकेशन ऑफ द वायर्स एंड केबल प्रोटेक्शन। जब हम बात करेंगे अप्लायंसेस एंड वायर्स एंड केबल के प्रोटेक्शन के लिए हम ब्रॉडली MCB यूज करते हैं। एंड सिंगल पोल फॉर द आउटगोइंग सर्किट, किसी सर्किट को अगर प्रोटेक्ट करना रहा है, किसी जैसे हॉल हुआ, बेडरूम होगा, बाथरूम हो गया, किचन हो गया, बेडरूम 1, बेडरूम 2, आपको उसके लिए एक इंडिविजुअल सर्किट लगता है जो MCB के सिंगल पोल MCB के थ्रू लगता है। एंड आउटगोइंग जो हमारा आउटगोइंग का सर्किट रहता है। एंड फॉर द मल्टीपोल, जितने भी TP, TPN, DP, SPN जो होते हैं उसके इनकमिंग के लिए हम यूज करते हैं इन द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फॉर द पावर, जहाँ पे हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू द इंडिविजुअल सर्किट के लिए। ये हमारा यूजेज हो गया। अप्लीकेशन की बात करेंगे, इंडिविजुअल सर्किट के लिए आपको यूज होता है, जैसे मैंने बताया इंडिविजुअल लोड के लिए जो होता है, जैसे कोई बड़े लोड है, अभी लोड है जिसके लिए इंडिविजुअल MCB लगाना है, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। प्रोटेक्शन फॉर द मोटर एंड द मशीन, हर एक इंडस्ट्री में अगर मशीन रहती है और उसमें मोटर लगे रहते हैं उसके लिए हम बेसिकली MCB का यूज करते हैं। तो आपको MCB के बारे में डिटेल मालूम चल गया, प्रोटेक्शन क्या देता है, यूजेज क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है। चलिए अभी दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं। दूसरा प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो आइसोलेटर। आइसोलेटर के बारे में आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए जो इसमें किसी टाइप की प्रोटेक्शन नहीं होती है, ना ओवरलोड, ना शॉर्ट सर्किटेड और ना अर्थ लीकेज, किसी टाइप की प्रोटेक्शन नहीं होता। वो केवल स्विचिंग ऑपरेशन ऑन एंड ऑफ को आपको प्रोटेक्ट करेगा, आइदर सिंगल फेज रहे, 3 फेज रहे। तो आप ये चीज़ भूल जाइए, जब हम आइसोलेटर लगा लिए हमको ये प्रोटेक्शन मिलेगा, ये इसमें केवल ऑन एंड ऑफ की प्रोटेक्शन मिलेगी। चलिए यूजेज क्या होता है, द डिवाइस इज ओनली यूज फॉर द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑपरेशन, ये मैंने बता दिया आपको। एंड देयर इज नो एनी प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड, मतलब इसमें किसी तरह का प्रोटेक्शन आपको नहीं दिया गया। एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन एक्ट एज ए इनकमिंग सर्किट फॉर द पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका काम यही है। मीटर रूम से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे इनकमिंग में ये लगता है एंड देन उसमें पावर की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है टू द हर एक सिंगल पोल सर्किट के लिए। तो बस इसका यही काम है, इसके बाद इसका कोई काम नहीं है। चलिए आइसोलेटर के बारे में बात होता है, अभी हम RCCB के बात में, RCCB का दूसरा नाम बेसिकली ELCB भी होता है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, जिसका हम अल्टरनेट नाम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं। ये प्रोडक्ट आपको ऐसे दिखेगा जिसमें ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन नहीं रहती है, ये आपको मानना बहुत जरूरी है, ये आप समझ लीजिए। उसमें कोई ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन नहीं होता है, इसमें अर्थ लीकेज की प्रोटेक्शन होता है। देखिए जब भी घर में कोई लीकेज होता है, जब भी आपको शॉक लगता है, इलेक्ट्रिकल शॉक, तो आपको इस तरह का चीज़ RCCB लगाना चाहिए उसमें, और स्विचिंग ऑन एंड ऑफ के लिए आपको RCCB का यूज होता है। तो इस तरह की चीज़ आपको RCCB, इस तरह का प्रोटेक्शन के लिए आपको RCCB लगाना चाहिए। यूजेज कहाँ पर होता है, दिस इज प्योरली फॉर द होम ह्यूमन प्रोटेक्शन डिवाइस, ये आदमी को बचाने, आदमी को झटका लगता है, आदमी को शॉक लगता है, आदमी को किसी तरह का अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर लीकेज होता है सर्किट में, तो उसको हम टच कर लेते हैं तो उसमें हमको शॉक लगता है, उससे बचने के लिए RCCB लगाते हैं। ब्रॉडली यूज एज ए इनकमर कनेक्शन फॉर द डोमेस्टिक एप्लीकेशन, वही जैसे मैं बताया जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के इनकमर में हम इस चीज़ को लगा लेते हैं ताकि हमारे पूरे घर में प्रोटेक्शन बना रहे। एंड इंडिविजुअल मोटर के लिए आपको इस तरह का RCCB लगाना पड़ता है ताकि हमको इस तरह का झटका नहीं लगे उस मोटर को और मशीन को छूने के बाद। तो ये आपकी RCCB का एप्लीकेशन एंड द सेफ्टी हो गया। देन RCBO की बात करेंगे तो RCBO बेसिकली बहुत ही टॉप
प्रोडक्ट की डिवाइस है जिसमें जिसको हम लोग ELMCB बोलते हैं। RCBO का जो पूरा नाम है, मोस्टली लोग इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं RCBO का पूरा नाम क्या। RCBO का पूरा नाम है रेसिडुअल करंट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन, दिस इज नॉट ए ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, रेसिडुअल करंट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट बेसिकली द पार्ट ऑफ दिस वन एंड दिस वन, इसको अगर दोनों को जोड़ देंगे तो आपको ओवर करंट आ जाएगा। तो इसको ये जो प्रोटेक्शन देता है वो ओवरलोड का देता है, शॉर्ट सर्किट का देता है, अर्थ लीकेज का देता है एंड स्विचिंग एन एंड ऑफ का देता है, ये आप समझ लीजिए। तो ये कंप्लीट प्रोटेक्शन है, ये आपने अपने घर में अगर लगा लिया तो समझिए आपका घर कंप्लीट सेफ है। हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं RCBO, डेट इज ELMCB, उसकी यूजेज क्या होता है, यूज फॉर द कंप्लीट प्रोटेक्शन फॉर योर होम, आपके अपने घर के लिए अगर ओवरलोड शॉर्ट सर्किट एंड लीकेज अगर कहीं हो रही है उससे प्रोटेक्शन के लिए एंड ऑन एंड ऑफ के लिए आपको अगर लगाना है तो आपको इस तरह का यूज करना पड़ेगा, RCBO यूज करना पड़ेगा फॉर दिस कंप्लीट प्रोटेक्शन फॉर एंड वी ऑल्सो एडवाइज टू यूज इन ऑल द हाउस होल्ड एप्लीकेशन, जो हाउस होल्ड एप्लीकेशन के लिए हम इस RCBO का यूज करते हैं। एप्लीकेशन एज ए इनकमर कनेक्शन फॉर द डोमेस्टिक एप्लीकेशन, यस इसको इनकमिंग में हम लगाते हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का पावर नीचे से लाता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे एंड देन उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसको RCBO का हम इसको यूज करते हैं। चलिए अभी लास्ट प्रोडक्ट है ELMCB, ELMCB बेसिकली द प्रोडक्ट जहाँ पे अगेन ओवरलोड की प्रोटेक्शन देता है, शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन देता है एंड अर्थ लीकेज की कोई प्रोटेक्शन इसमें नहीं है बट ऑन एंड ऑफ की भी प्रोटेक्शन देता है। ये ELMCB का यूज करता है, यूज फॉर द इंडिविजुअल अप्लायंसेस, जब भी आपको इंडिविजुअल अप्लायंसेस की बात हुई या इंडिविजुअल सर्किट की बात हो गया जैसे AC हो गया, गीजर हो गया, इस तरह के चीज़ के जहाँ पे हमारी कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो आप बहुत कॉस्टली है जिसको हमने बहुत हैवी प्राइस में हमने खरीदा है, तो उस चीज़ को इंडिविजुअल प्रोटेक्शन के लिए हम ELMCB लगाते हैं। ELMCB ब्रॉडली बेसिकली स्विच के अंदर जो हमारा WD का जो वायरिंग डिवाइसेज का प्लेट होता है उसके अंदर हम उसको लगा देते हैं, जो आपको ये प्लेट दिखता है, और उसी के अंदर हम ये हर एक सर्किट को जो है ना जिस सर्किट को हमको प्रोटेक्ट करना है उस सर्किट को प्रोटेक्ट कर देते हैं। एप्लीकेशन फॉर द AC एयर कंडीशन एंड द गीजर वॉशिंग मशीन रेफ्रिजरेटर हैवी ड्यूटी मिक्सर ग्राइंडर एंड द सिंगल फेज मोटर, इस तरह के चीज़ को हम ELMCB लगाते हैं। होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।